हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेन वेव इन कंडक्टिंग मीडियम और डिस्पर्सिव मीडियम के बारे में देखा था और हमने उसको सॉल्व करके अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फ़ा और फेज कांस्टेंट बीटा की वैल्यूज़ निकाली थी। ठीक है, यहाँ पर हम उसी को सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे अलग अलग कंडक्टर्स के लिए, फॉर पुअर कंडक्टर, फॉर गुड कंडक्टर, फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड फॉर प्लाज्मा, फॉर डिफरेंट मटीरियल्स। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस फॉर पार्शियली कंडक्टिंग मीडियम। पार्शियली कंडक्टिंग मीडियम मतलब जो प्योर कंडक्टर्स नहीं हैं, जिनमें आंशिक रूप से कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और सेकंड, या फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स या कंडक्टर्स और प्लाज्मा, कि इन सभी मटेरियल्स का जो फ्रीक्वेंसी का डिस्पर्शन है, फ्रीक्वेंसी मतलब आपके ओमेगा, उसका जो डिस्पर्शन है वो कैसा है। डिस्पर्शन मतलब होता है फैलना, मतलब फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो हमें देखना है। यहाँ हमने माना है कि जो हमारा अटेन्यूएशन कांस्टेंट आया था अल्फ़ा और जो हमारा फेज कांस्टेंट आया था बीटा, इन दोनों के टर्म में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो हमने ये सपोज कर लिए, ये वाला ई नॉट और एच नॉट क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड वाले पार्ट, और ई की पावर में हमेशा क्या होता है, फेज वाला पार्ट होता है। तो ये एक तो फेज वाला पार्ट बीटा एन कैप डॉट आर वेक्टर, और ये हमारे पास साथ में अटेन्यूएशन कांस्टेंट धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड में कमी आ रही है। तो उस कमी वाले पार्ट को शो करने के लिए ये अलग से एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट इमेजनरी हमने दिखाया है। तो ये दोनों पार्ट मिला के ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटाइजिंग फील्ड है आपका, ये किसके टर्म में है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट की टर्म में, जो हमने कैलकुलेशन की थी। अब यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा ये हो E नॉट E टू द पावर माइनस गामा जेड, गामा में सब आ गए, अल्फा बीटा दोनों आते हैं, आपको पता है चूंकि गामा इज इक्वल टू क्या माना था उस दिन हमने, अल्फा प्लस जायोटा या आयोटा बीटा, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों है, इसलिए हमने इसको जनरली E की पावर माइनस गामा जेड करके लिख लिया है। ठीक है, और इसकी हम ये डायरेक्शन मान लेते हैं, इसकी डायरेक्शन है ए एक्स कैप। तो आपके पास यहाँ से मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का फॉर्मूला क्या था, एन कैप क्रॉस ई वेक्टर अपॉन जेड। तो ये वाली टर्म ई नॉट ई की पावर माइनस गामा जेड अपॉन जेड, ये जेड क्या है, ये इम्पीडेंस वाला जेड है आपका, और एक्स कैप डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेव प्रोपेगेशन जेड डायरेक्शन में, और ये तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम इस स्थिति में मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक और टर्म में मान लेती हूँ, यदि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया है ई नॉट ई टू द पावर माइनस गामा जेड और ई टू द पावर जायोटा ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स कैप, तो आपके पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना होगा, तब मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच वेक्टर वापस आपको निकालना है, क्या लिखोगे, ई नॉट ई की पावर माइनस गामा जेड ई टू दी पावर जेटा ओमेगा टी माइनस बीटा जेड अपॉन क्या करेंगे हम, मॉड ऑफ जेड, मतलब इम्पिडेंस से डिवाइड करेंगे। इसकी डायरेक्शन क्या है आपके पास, एक्स कैप है, ये प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, जेड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब ए वाई कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा बीटा या फिर जनरली दोनों का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन गामा की टर्म में, तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब इसी से हमें एक और कंसेप्ट निकालना है, वेलोसिटी। तो आपको याद रखना है, द वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम इसका जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी वी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन अल्फा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, वेहर
अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा दोनों ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अल्फा की वैल्यू उस दिन आई थी हमारे पास अंडर रूट ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन टू, फिर इसी रूट में वन प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, और ये भी आपका रूट में माइनस वन। और बीटा आपके पास आया था, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर यहाँ से म्यू एप्सिलॉन अपॉन टू, फिर वापस रूट में वन प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर प्लस वन। ये आपके पास अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग केसेस के लिए देखते हैं। तो केस फर्स्ट में लगा रही हूँ फॉर पुअर कंडक्टर, केस फर्स्ट फॉर पुअर कंडक्टर। अगर कंडक्टर पुअर है तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, कंडक्टिविटी कम होगी। तो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन लेस लेस देन किससे होगा, वन से। तो इस स्थिति में फिर इन तीनों के मान निकालने हैं। अल्फा कितना मिलेगा, ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन अपॉन टू रूट ओवर वन प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस वन। अब चूंकि ये लेस लेस देन वन है, ये वन से बहुत कम है, तो नेग्लिजिबल होगा, टेंस टू ज़ीरो होगा। तो अल्फा क्या होगा, ओमेगा रूट ओवर ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन टू, और यहाँ से क्या बनेगा, वन। ये तो आपका वन और ये आपका माइनस वन, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है कि ये टर्म ज़ीरो हो गई, ये आपका वापस माइनस वन आ गया यहाँ पर। चूंकि आपने देखा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन लेस लेस देन वन है, तो ओमेगा एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन सिग्मा, यानी कि एप्सिलॉन का मान क्या है यहाँ पर, ज़्यादा है। तो इस स्थिति में हम वन को वापस नेग्लिजिबल कर सकते हैं ऑलमोस्ट। तो आपको जो केस मिलेगा वो क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन टू, ठीक है। इसी तरह से हमें बीटा भी निकाल लेना है। तो बीटा कितना मिलेगा हमें, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन टू, और यहाँ से ये वापस नेग्लिजिबल वन के कंपेयर में। तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा आपके पास, टू, टू से टू कैंसिल आउट। तो बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। और यहाँ से ये आपके पास ये टेंस टू ज़ीरो हो रहा है एक तरह से, और ये वाली टर्म अगर हम यहाँ से देखते, ये पूरा ब्रैकेट में है, तो ये वन माइनस वन ये भी ज़ीरो बनेगा। तो इसको आप ज़ीरो कर लीजिए डायरेक्टली, ये मैं ब्रैकेट लगाना भूल गई थी। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना मिलेगा डायरेक्टली हमें, ऑलमोस्ट टेंस टू ज़ीरो। और जो बीटा आपको मिला है वो मिला है रूट म्यू एप्सिलॉन, ओमेगा को अगर रूट के अंदर ले जाते हैं तो ओमेगा स्क्वायर। तब इस स्थिति में गामा कितना होगा, अल्फा प्लस जायोटा बीटा, यानी कि जीरो तो भूल जाओ, और जायोटा रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी ओमेगा अपॉन अल्फा कितना है, जीरो, यानी कि टेंस टू ऑलमोस्ट इन्फिनिट, इतनी ज़्यादा इसमें वेलोसिटी होगी आपके पास। ये कौन सा केस है, फॉर गुड पुअर कंडक्टर। केस सेकंड हम ले लेते हैं फॉर गुड कंडक्टर। केस सेकंड फॉर गुड कंडक्टर, इस स्थिति में क्या होगा आपके पास, सिग्मा का मान ज़्यादा होगा, सिग्मा ज़्यादा होगा तो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन वन होगा। अगेन आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला है ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन अपॉन टू,
और यहाँ से ये ग्रेटर देन वन है तो ये वन से ज़्यादा है, तो वन को नेग्लिजिबल करके छोड़ेंगे। रूट में सिग्मा अपॉन म्यू एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस वन, चूँकि ये वन से ज़्यादा है तो ये वाला वन भी नेग्लिजिबल होगा। देन आपको अल्फ़ा मिलेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन अपॉन टू इंटू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। फिर यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू हमें फाइनली मिला एप्सिलॉन से एप्सिलॉन तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये ओमेगा अंदर जाके ओमेगा स्क्वायर, तो क्या मिलेगा रूट ओवर म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन टू, ये आपको अल्फ़ा मिला है। इसी तरह से बीटा देख लेते हैं इसी केस में, बीटा की वैल्यू क्या होगी ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन अपॉन टू, देन सिग्मा सॉरी वन प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, एंड ये भी आपका किस में है रूट में माइनस वन। फिर आपको पता है ये ज़्यादा है तो ये हाई है तो वन क्या होगा वन टेंस टू ज़ीरो, दोनों वन टेंस टू ज़ीरो तो बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन अपॉन टू और इधर से सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। अब आपको क्या करना है एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, ओमेगा को अंदर ले जाओगे ओमेगा स्क्वायर, तो बीटा बराबर कितना मिलेगा वापस रूट ओवर म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन टू। तो इस स्थिति में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू कितना मिलता है म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन टू, ये आपको अल्फा बीटा सब बराबर मिल गए। लेकिन हमें यहाँ वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी कितनी होगी मीडियम में, वी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन अल्फा, ओमेगा अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी है रूट ओवर म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन टू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ टू अपॉन, नीचे क्या आएगा आपके पास यहाँ से एक रूट म्यू से रूट ओमेगा बचेगा यहाँ पे, तो रूट ओवर टू ओमेगा रूट ओवर म्यू सिग्मा, ये आपकी वेलोसिटी इन मीडियम। तो मैं इसको अलग से लिख देती हूँ, वी इज इक्वल टू मिला है टू ओमेगा अपॉन म्यू सिग्मा फॉर गुड कंडक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास दो केसेस हो गए, एक तो गुड कंडक्टर के लिए और एक बैड कंडक्टर के लिए। अब हम केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड है आपका फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम होता है जो वैसे तो चार्जेस कंसिस्ट करता है लेकिन बिहेव एज ए इंसुलेटर करता है, क्यों, क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हमेशा ज़ीरो होते हैं, इसलिए बिहेव कैसे करता है यह एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, पर होता क्या है एक्चुअल में कंडक्टर। अब चूँकि इसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसके लिए टोटल समीशन क्यू क्या हो जाएगा ज़ीरो, यानी कि इस मटेरियल के लिए कंडक्टिविटी सिग्मा हमेशा क्या होगी ज़ीरो। अगर सिग्मा ज़ीरो होगी तो वापस आप अल्फ़ा और बीटा निकालना चाहेंगे, अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या था ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन टू रूट ओवर वन प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस वन। अब चूँकि आप बोल रहे हैं सिग्मा तो ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो है तो अल्फ़ा कितना मिल गया हमें वन माइनस वन, इसके कारण ये अल्फ़ा ज़ीरो। और बीटा की बात करें तो बीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन अपॉन टू, ठीक है। और इधर से क्या मिलेगा आपको रूट ओवर वन प्लस ये वापस ज़ीरो, ये ज़ीरो प्लस वन वन प्लस वन, ठीक है। तो ये कितना होगा बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन अपॉन टू इंटू टू, ये टू से टू कैंसिल आउट, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा फाइनली आपके पास यहाँ से ये आपको मिलेगा
अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। इस स्थिति में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी गामा मिलेगी हमें अल्फा प्लस जायोटा बीटा, दैट इज जायोटा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम वेलोसिटी देखना चाहें तो ओमेगा अपॉन अल्फा से वो भी ऑलमोस्ट टेंस टू क्या हो रही है, इन्फिनिट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस स्थिति में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अल्फा कांस्टेंट जीरो है तो फेज वाले पार्ट में अल्फा नहीं आएगा, तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट ई टू द पावर। नेक्स्ट है आपके पास माइनस गामा जेड था, तो गामा जेड वाले पार्ट को हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि अटेन्यूएशन कांस्टेंट जीरो हो गया, तो आपके पास ओनली रह जाएगा जायोटा ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स क्या। तब आप एच वेक्टर अगर निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन वही इम्पिडेंस से डिवाइड कर दीजिए जायोटा ओमेगा टी माइनस बीटा जेड एंड ए वाई कैप, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे इस केस में। यहाँ से अगर हम फेस की बात करें तो चूँकि आपका सिग्मा ज़ीरो है, थीटा फेज डिफरेंस आपका ये भी क्या होगा, ज़ीरो। और फेज अगर हम देखना चाहें तो ये आपका ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है आपके पास तो यहाँ से हम वेलोसिटी अगर निकालना चाहें तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, ओमेगा माइनस बीटा डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो माइनस ऑफ बीटा डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन बीटा। तो ये आपके पास वेलोसिटी हो जाएगी। और अगर मीडियम में बात करें हम वेलोसिटी की, तो हम जानते हैं वो किसके बराबर होती है, वन अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन के, ठीक है। तो ये आपके पास इस स्थिति में वेलोसिटी निकल के आ रही है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ से हमें क्या निकालना है, अगर हम लैम्डा निकालना चाहते हैं, लैम्डा वेवलेंथ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन बीटा कितना है आपके पास, यहाँ से बीटा में आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से अगर हम बीटा निकालें तो ये आपको मिलेगा ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई अपॉन ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन। ये आपके पास इस स्थिति में वेवलेंथ आ जाएगी लैम्डा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इसमें एक कंसेप्ट आता है स्पिन डेप्थ, तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं।